नमस्कार, कैसे हो आप सब लोग? ठीक हो? तो मैं आज बनाने जा रही हूँ चावल के आटे की बहुत ही अच्छा नाश्ता। तो मैंने एक कटोरी चावल का आटा ले रखा है, इसका हम बहुत बढ़िया नाश्ता बनाएंगे। और हम इसको डाल देते हैं बाउल में। तो हम इसमें डालेंगे एक कप पानी। तो हम अच्छी तरह से मिलाएंगे। तो इसको हम 10 मिनट के लिए ढक के रख देते हैं ताकि हमारा चावल का आटा अच्छी तरह से मिल जाएगा और एकदम से गल भी जाएगा। तो इसको हम ढक के रख देते हैं 10 मिनट के लिए। तो चलिए देखते हैं, हमारा चावल का आटा जो हमने भिगो के रखा था तो 10 मिनट हो चुके हैं। देखिए भीगा तो ये अच्छे से भीग गया है। आप देख सकते हैं एकदम से फूल गया हमारा चावल का आटा। तो चलिए इसमें हम डालते हैं बारीक कटी हुई शिमला मिर्च। प्याज और एक हरी मिर्ची काटी बारीक ही, और डालते हरा धनिया। चम्मच हम रेड चिल्ली डाल के चौथाई चम्मच काली मिर्ची का पाउडर और चौथा चम्मच डालते चाट मसाला। चाट मसाला से हमारा ये नाश्ता बहुत ही बढ़िया होगा और चटपटा भी होगा। और चौथा चम्मच डालते लाल मिर्ची और नमक डालते हैं स्वाद अनुसार। इसको अच्छे से मिला देते हैं। एक गाढ़ा बहुत हो रखा है तो इसको हमको थोड़ा सा पतला करना है। तो ये पतला हो गया। अब इसको इधर रख देते हैं, बनाते हैं कुछ चटनी। तो मैंने पैन चढ़ा दिया, इसमें डालते हैं 2 चम्मच तेल, 1 चम्मच और इसमें डालते हैं 1 चम्मच जीरा। कटा हुआ बारीक प्याज और 2-4 लहसुन की कलियां। उसमें डालते हैं 2 मेहंदी मिर्ची। टमाटर डाल दिया। डालते हैं 1/2 चम्मच चाट मसाला। आधे चम्मच डालते हैं लाल मिर्ची पाउडर और नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। डाल दी मैं 1 चम्मच दही। चलिए इसको निकाल देते हैं।
इसको हमने एक चक्की पीस लिया। बहुत ही बढ़िया बनी है चटनी हमारी। तो हमने गैस के पास तवा चढ़ा दिया, हमने लोई वाला तवा नहीं चढ़ाया और मैंने इसको अच्छे से कर रखा है। पतला हो रखा है हमारा ये रावा। और चलो शुरू करते हैं बनाना। हम तवे के ऊपर तेल डाल देते हैं और सारे पे अच्छे से फैला देते हैं। देखिए आप देख सकते हैं कि हमारा नाश्ता बहुत ही अच्छी तरह से पक रहा है और सेट हो रहा है। तो उसको हम अब इसके हम थोड़ा सा चारों तरफ तेल लगा देते हैं। मेरा चावल का नाश्ता तैयार हो चुका है और साथ में चटनी भी है और बहुत ही बढ़िया है। देखिए चटनी भी और चावल का नाश्ता भी बहुत सुंदर लग रहा है देखने।